नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैंने ये वाला ब्यूटीफुल सा प्यारा सा लुक किया है आप लोगों के लिए। दिस ड्रेस इज़ फ्रॉम वेरोमोडा एंड आई एम जस्ट इन लव विद द ड्रेस। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसे मैंने अपने बर्थडे पे पहना था एंड क्वालिटी इज़ गुड एंड ऑब्वियसली वेरोमोडा की ड्रेसेस बहुत अच्छी होती हैं। सो ये जो लुक है ये बहुत सिंपल है, आप लोग को पसंद आएगा। लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें। सबसे पहले आपको मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। मॉइस्चराइज़र से पहले आप चाहें तो मिस्ट या फिर आप चाहें तो टोनर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं स्टार्ट करती हूँ मॉइस्चराइज़र से। मॉइस्चराइज़र से ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है और उसके बाद आपका बेस बहुत अच्छा बनता है। नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर का। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल लिया है, आप चाहें तो कोई सा भी प्राइमर ले सकते हैं। आप ब्लू हेवन का ट्राई कर सकते हैं, अफोर्डेबल है और अच्छा है। इसके अलावा NYB का है, स्विस ब्यूटी का है, ये अफोर्डेबल रेंज में काफ़ी अच्छे प्राइमर्स हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फेसेस कैनेडा का ये फाउंडेशन। इसकी MRP है 200 रुपीज़, लेकिन ये कुछ डिस्काउंट में मिला था मुझे। ऑनलाइन वैसे भी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे रहते हैं प्रोडक्ट्स, तो आप चेक करिएगा। इसे मैं इस तरीके से फिंगर टिप्स की हेल्प से लगा लूँगी और फिर इसे ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करिए, टाइम लेके करिए। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ किया है। आज का जो ये मेकअप है ये 200 के अंदर का है। आप लोगों अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स का मेकअप चाहते थे तो मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया स्पेशली आप लोगों के लिए। बहुत सिंपल है और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी ये आपको 200 के अंदर मिल जाएंगे और आप देखेंगे कि ऐसे प्रोडक्ट से भी आप अच्छा खासा मेकअप कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये जो फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का, ये आपको फुल कवरेज तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी 200 के अंदर ये अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए लगभग मेरी ब्लेंडिंग हो गई है। ब्लेंडिंग आपको अच्छे से करनी है, हमेशा कहती हूँ। और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का, ये भी आपको 200 में मिल जाता है, बहुत अच्छे से काम करता है। क्या बताऊँ, मतलब कम रेंज में इतना अच्छा प्रोडक्ट है, ये इजीली ब्लेंड हो जाता है, कवरेज भी अच्छी है और अफोर्डेबल है, और क्या चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप पार्टी मेकअप वगैरह कर रहे हैं, ब्राइडल कर रहे हैं, तो भी ये वाला जो कंसीलर है ये बहुत अच्छे से काम करता है। कंसीलर को आपको अच्छे से ब्लेंड करना है और रगड़ना नहीं है, ब्लेंडिंग करते वक्त वहीं पे हल्का सा डैब डैब करते हुए आपको ब्लेंड कर लेना है। मैंने यहाँ पे ब्रश से किया है, आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। इस कंसीलर में बहुत सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे, आप कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं इससे। एक तो लिक्विड बेस्ड है तो बहुत आसानी से ये ब्लेंड हो जाएगा और कवरेज भी अच्छी देगा, तो आप अपने अनुसार शेड ले सकते हैं, कॉन्टोरिंग के लिए भी ले सकते हैं, हाइलाइटिंग के लिए भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। अब मैं अपने बेस को सेट करूँगी। यहाँ पे मैंने लूज़ पाउडर लिया है इनसाइड का, ये भी आपको 200 के अंदर मिल जाता है, और आप चाहें तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अपने बेस को सेट करने के लिए। बेस को अगर सेट कर देंगे तो आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, स्वेटिंग वगैरह की दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट बारी आती है आई मेकअप की, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लिया है, उससे ये ब्राउन शेड लिया है और क्रीज लाइन को डिफाइन किया है। आपको ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। नेक्स्ट मैंने ये डार्क शेड लिया है और इसे अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर्स पे लगाया है और हल्का सा ब्लेंड किया है। आप देख सकते हैं मैंने अपने क्रीज लाइन को बेसिकली थोड़ा ज़्यादा डार्क किया है ताकि डेप्थ मेरे आईज़ पे अच्छे से दिखे। हल्का हल्का ब्लेंड करना है, एक साथ बहुत ज़्यादा कलर आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट मैंने ये ब्लैक शेड लिया है। ब्लैक शेड के साथ जब भी काम करें थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये थोड़ा में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हल्का सा ही लें और फिर अच्छे से ब्लेंड कर लें। मैंने इसे अपने आईलिड पे लगाया है और ब्लेंड किया है, आप देख सकते हैं। बहुत कम प्रोडक्ट मैंने लिया है क्योंकि ये अच्छा खासा पिगमेंटेड आई शेडो पैलेट है और ये भी अफोर्डेबल है, आपको बहुत आसानी से ये मिल जाता है। दोनों ही आईज़ पे आपको अच्छे से लगा लेना है। मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए स्विस ब्यूटी का ये ब्रश लिया है, अभी जस्ट परचेज़ किया है, बहुत अच्छा तो मुझे नहीं लगा, बट ठीक है, काम करता है। नेक्स्ट मैंने ये सिल्वर शेड पिक किया है और इसे
अपने आईलिड पे लगाया है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो फिंगर टिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी कलर्स बहुत अच्छे से लग जाते हैं। बेसिकली वैसे लगाने से इंटेंसिटी बढ़ जाती है। आपको हाफ आईलिड पे ही लगाना है, पूरे आईलिड पे इस कलर को नहीं लगाना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आ जाता है। और वैसे भी आईज़ का जो मेकअप है वो मैं थोड़ा सटल्ड ही करती हूँ, कभी कभी लैशेज़ वगैरह यूज़ करती हूँ। आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपको किस तरीके के आई मेकअप्स देखने हैं, तो मैं वैसे वाले लुक्स भी आप लोगों के लिए ट्राई करूँगी। अब मैंने यहाँ पर हल्का सा विंग लाइनर बनाया है। लाइनर के लिए मैंने यहाँ पर NY बेकर लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, वैसे ये अफोर्डेबल है और 100 रुपीज़ के अंदर आ जाता है। मैंने इसे अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर्स पे ही बनाया है, आप चाहें तो पूरा जो लाइनर लगाते हैं वैसा भी लगा सकते हैं। मुझे इस तरीके का लाइनर लगाना बेहद पसंद है और मेरे फ़ोटोज़ तो काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, तो आप भी ट्राई करिएगा। बस आईज़ के आउटर कॉर्नर्स पर हल्का सा लगा लीजिएगा विंग। इसके बाद मैंने ये कॉफ़ी शेड पिक किया है और इसे अपने लोअर लैश लाइन में लगा के हल्का सा ब्लेंड कर दिया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपना आई मेकअप करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए मैंने इसी पैलेट से ब्राउन शेड ले लिया है और इसी से कॉन्टोरिंग कर ली है। बहुत अच्छे से कॉन्टोरिंग हो जाती है अगर आपके पास आई शेडो पैलेट में ही ब्राउन शेड अवेलेबल है तो। मैंने अपने जॉ लाइन को और अपने नोज़ को भी हल्का सा कॉन्टोर किया है। कॉन्टोरिंग से आपके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी एनहेंस हो जाते हैं, एक वर्चुअल शैडो सा क्रिएट हो जाता है और आपके मेकअप का लुक काफ़ी बढ़ जाता है, तो कॉन्टोरिंग आप हल्का सा ज़रूर करें। अब नेक्स्ट बारी आती है ब्लश की, तो इसके लिए मैंने SFR का लिया है, आप कोई सा भी अपना फेवरेट ले सकते हैं, ये अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छा है, बहुत पिगमेंटेड है, मैं तो बहुत दिनों से इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे बेहद पसंद है। इसे आपको हल्का सा लगा लेना है और ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ब्लश को ब्लेंड नहीं करेंगे ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, अच्छे से ब्लेंडिंग कर लें। नेक्स्ट मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल और मैं बस अपने गैप्स को फिल करूँगी। काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल रेंज का आईब्रो पेंसिल है ये। अफोर्डेबल में आप चाहें तो इनसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं अपने वीडियोज़ में उसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ। आप वेट एंड वाइल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेट एंड वाइल्ड का 200 के एबो आता है और इनसाइड का आपको 200 के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट बारी आती है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे NY बेकर लिया है, ये लिक्विड लिपस्टिक है और इसमें बहुत सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे। ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये वाला शेड, तो मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद अपने फेस को हल्का सा हाईलाइट करूँगी मैं, इसी आई शेडो पैलेट से मैंने ये हल्का शिमरी शेड ले लिया है और इसी से हाईलाइट किया है, बहुत कम, एकदम न के बराबर मैंने किया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ग्लिटरी या बहुत ज़्यादा शाइनी इफ़ेक्ट नहीं चाहिए था अपने मेकअप में, तो बस हल्का सा अपने ब्राउ बोन्स को, अपने नोज़ को, अपने चीक बोन्स को और ब्रिज ऑफ द नोज़, टिप ऑफ द नोज़, क्यूपिड बो और चिन एरिया को मैंने हाईलाइट कर लिया है। बहुत ही सिंपल मेकअप है दोस्तों, आप ट्राई करिएगा, आप कर पाएंगे। प्रैक्टिस ज़रूरी होता है, धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भी बहुत अच्छा मेकअप कर पाएंगे। मेकअप में कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने लिप्स को हल्का सा शाइनी बनाने के लिए ग्लॉस ऐड कर रही हूँ। ये मैंने अभी अभी अमेज़ोन से मंगवाया है, ये स्विस ब्यूटी का क्लियर ग्लॉस है, इसे आप ऐसे भी लगा सकते हैं और लिपस्टिक के ऊपर भी लगा सकते हैं। मुझे बहुत पसंद आया है, अफोर्डेबल है और मतलब स्टिक नहीं करता है, चिपचिपा नहीं है, ये अच्छी बात है इसकी, मुझे अच्छा लगा है। और दोस्तों यहाँ पे मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए, आप वीडियो ज़रूर देखा करिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो मेकअप अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मैं लगभग वीडियोस डालती रहती हूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।